नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर और कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह देव के बीच विवाद मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें सौम्या के अलावा पार्षद अजय सिंह, पार्षद पारस जैन, राम किशन प्रजापत और शंकर शर्मा पर आईपीसी की धारा के तहत चालान पेश किया है। पुलिस ने रिकॉर्ड 10 दिन में इस मामले में चालान पेश किया है। साथ ही राज्य कार्य में बाधा और मारपीट का आरोप में चार्जशीट दर्ज की है। इसमें अधिकतम 7 साल तक सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने रूम में सफाई के मुद्दे पर 4 जून को बैठक की थी। इस बैठक के बाद निगम आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह ने महापौर और कुछ पार्षदों पर मारपीट, दुर्व्यवहार और काम में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में पुलिस थाना ज्योति नगर में FIR भी दर्ज हुई थी। वहीं मामले की जांच के बाद थाना पुलिस ने जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 14 जून को चालान पेश कर दिया। पुलिस ने अपनी जांच में महापौर समेत 4 पार्षदों पर मारपीट के साथ ही राज्य कार्य में बाधा के आरोप को सही माना है। पुलिस ने चालान में कार्यालय स्टाफ के बयान समेत अन्य दस्तावेज पेश किए। बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने 6 जून को महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। इसको महापौर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट में 14 जून तक मामले पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इधर पुलिस भी मामले की जांच पूरी कर चालान पेश कर चुकी है। अब मेयर निलंबन का मामला किसके पक्ष में आता है, ये कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।